तो दोस्तों आज मैंने चोर बाजार से न्यू आईफोन बाय किया हुआ है। तो दोस्तों ये आईफोन जो है, मजाक करो दोस्तों, ये दरअसल मेरा एंड्रॉइड का स्मार्टफोन है जिसे मैंने आईफोन का लुक दिया हुआ है। पहले तो आप नोटिफिकेशन पैनल देख लीजिए, इसका पूरा लुक देख लीजिए, मतलब ओरिजिनल आईफोन के माफिक लग रहा है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आखिरकार आप सभी अपने डिवाइस को आईफोन का लुक कैसे बनाए। तो चलिए जान लेते हैं, इसके लिए आप सभी को कुछ एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सबका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। दोस्तों बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन से वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा निकल करता है असिस्टिव टच करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्या होता है कि आईफोन में आप सभी को पता ही होगा, इससे हम जो शॉर्टकट में हम अपना जो काम कर सकते हैं कुछ, जैसे कि नोटिफिकेशन देखना है, रिसेंटली पेज देखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे आप बैक वगैरह भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में आप सभी को इंटर हो जाना है, यहाँ पे इंटर होने का जो आपसे परमिशन मांगेगा सभी को एक्टिवेट कर देना है। तो अब यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हो। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारा कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। यहाँ से ब्राइटनेस या वॉल्यूम, म्यूजिक प्ले ऑफ कर सकते हैं, जितना भी हमारा कंट्रोल सेंटर में ऑप्शन रहता है सब यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों इसे इनेबल करने के लिए हमें कंट्रोल सेंटर वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसमें एंटर करने के बाद यहाँ पे आप सभी को इसे इनेबल कर देना है। जो भी ये परमिशन मांगेगा सब परमिशन आप इसे दे दीजिएगा। परमिशन देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड नंबर एप्लीकेशन के बारे में। थर्ड नंबर एप्लीकेशन हमारा है लॉक स्क्रीन। क्या होता है कि लॉक स्क्रीन जब हम करते हैं तो उस समय जो हमारा आईफोन का जो आइकन दिखता है सिंपली वो उस टाइप का दिखेगा। अभी तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हुआ है। तो आप इसे यदि इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसका नाम है आई लॉन्चर। तो इसे सिंपली दोस्तों आप सब इनेबल कर लीजिएगा आई लॉन्चर को। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका जो डायल पैड का ये आइकन सब जो दिख रहा है, एप्लीकेशन आइकन सब कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और ऊपर से यदि आप नोटिफिकेशन डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आईफोन के जैसा दिखेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही था। यदि इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते किसी नेटवर्क ने साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।